अब हमने खाना खाना खा लिया है, तो खाना खाने के बाद अभी थोड़ा सा और घूमेंगे। ये नथिया गली में ऊपर भी ऊपर की तरफ भी हैं, अभी काफ़ी होटल और रेस्ट हाउसेस बन गए हैं, तो अब हम नथिया गली में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी घूमने की जगहें हैं, एक तो वो जो है ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह भी आती हैं, काफ़ी ऊपर भी घूमने की जगह है नथिया गली में, तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये काफ़ी जो है इधर ये जो बाज़ार आता है, नीचे तो नथिया गली का बाज़ार है पूरा, तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी ये होटल आएंगे, काफ़ी सारे अच्छे होटल्स और जो है रेस्ट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज बन गए हैं ऊपर की तरफ भी जाते हुए। और अब हम ग्रीन रिट्रीट है ऊपर, वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पे हम जो है आराम करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और फिर मैं आपको वो ग्रीन रिट्रीट होटल भी दिखाऊंगी। मैं ये पुराना होटल था काफ़ी, तो नथिया गली जाते हुए भी ये ऊपर की तरफ भी जाते हुए काफ़ी अच्छी सीनरी है। तो अब हम नथिया गली के वो ऊपर भी सड़क एक जाती है, वहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा एरिया है। ये देखें, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की साइड पे मुड़ गए हैं। अब हम गाड़ी मोड़ ली है, और अब हम ये यहाँ पे ये देखें, ये भी ऐसी ये गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, ये यहाँ पे भी चलने लगी हैं, मैंने देखी थी इधर भी जाते हुए। जो लोग जाना चाहें तो इसमें भी बैठ के जा सकते हैं। और ये अब हम ऊपर की तरफ मुड़ गए हैं, और ये भी ऊपर की तरफ जाते हुए भी सीनरी काफ़ी अच्छी आती है। देखें काफ़ी अच्छी जगहें हैं इधर भी, और मौसम भी अच्छा हो रहा था, शाम भी हो गई है, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर हमने दिल किया कि अभी और थोड़ा सा ठहरते हैं नथिया गली का, आज पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए हम ये के गए ऊपर भी, काफ़ी दुकानें वगैरह, और अब अच्छी जो है ये काफ़ी होटल्स बन गए हैं इधर। आपने थोड़ी देर के लिए हैंग आउट करना हो तो किसी भी होटल में, या आपको अगर रात को ठहरना है तो इधर काफ़ी अच्छे गेस्ट हाउसेज और होटल हैं बने हुए, तो आप लोग यहाँ पे भी ये देखें, हॉर्स राइड भी है इधर, हॉर्स राइडिंग बच्चे वगैरह कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। इधर ये देखें, ये पहाड़ वगैरह, ये सीनरी बहुत अच्छी इधर आती है, पहाड़ और सीनरी यहाँ से ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। ये इस तरफ से जाते हुए काफ़ी लोग, यहाँ पे रश होता था पहले, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, तो ये अब वो हमें जगह नज़र नहीं आई। इधर सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पार्क सा था, इधर लोग आके ठहरते थे, इधर पहले काफ़ी रश होता था, लेकिन अब हमें वो सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई नज़र नहीं आई।
ये काफ़ी पुराना चर्च है, यहाँ पे बना हुआ नथे गली में। तो और इधर हॉर्स राइडिंग भी होती है, हॉर्स राइड भी कर रहे होते हैं लोग। और यहाँ पे भी ये हैंग आउट करने के लिए अच्छी जगह है, इधर भी लोग काफ़ी ठहरते हैं इस तरफ। और ये काफ़ी पुराना चर्च है, काफ़ी बना हुआ है नथिया गली का। और ये भी आते हुए वहाँ अच्छा लगता है, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक सा ट्रैक है, जा सकते हैं लोग। और ये काफ़ी जो है हैंग आउट करने के लिए अच्छी जगहें हैं। ये हॉर्स राइडिंग की भी है, ये देखें हॉर्स राइड यहाँ पे करते हैं। ये अब हम जो है पहुँचने वाले हैं ग्रीन रिट्रीट होटल पे पहुँचने वाले हैं। समर ग्रीन रिट्रीट होटल। और ये जाते हुए रास्ता ऊपर का जो है बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है। देखिए सनसेट भी होने वाला है, सनसेट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा इधर लगता है। सनसेट की वीडियो मैं ऐसे कुछ बना नहीं सकी हूँ, उधर होटल में जब हम ठहरे तो सनसेट हो चुका था, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। ये देखें अभी भी सनसेट हो रहा है, जो है दरख्तों में जो सूरज है वो नज़र आ रहा है, सनसेट का मंज़र आप देखते जाएं। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है ये। अब हम पहुंचने वाले हैं पहुंच गए ग्रीन
समर ग्रीन रिट्रीट ये होटल है, पुराना बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा होटल बना हुआ है ये समर रिट्रीट के नाम से, ग्रीन होटल ये था। ये अब हम आ गए हैं इधर, ये देखें, और ये इसके बाहर से देखें आप, इनके कमरे नीचे भी बने हुए हैं और ऊपर भी कुछ कमरे हैं, और इसके पूरा वो काफ़ी गुज़र के आगे पूरे इनके उससे जाके भी काफ़ी जो है वो छोटे हट से बने हुए हैं। तो वो अभी अब अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी सारा होटल का लोकेशन, और काफ़ी अच्छी जगह है। इधर हम बैठ के थोड़ी देर हम बैठेंगे, ये देखें सनसेट भी हो गया है और ये मंज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है सनसेट, और हल्के हल्के बादल भी यहाँ पे आए हुए थे। तो जब हम गए हैं तो रात को बारिश हुई होगी यहाँ पे, ये बादल आ रहे हैं। ये अब हम इस होटल के, होटल ग्रीन रिट्रीट के नाम से ये होटल है, और ये देखें ऊपर की तरफ भी कुछ कमरे बने हुए हैं, ऊपर की तरफ हैं कमरे और नीचे एंट्रेंस है, फिर जाके अच्छा सा मतलब इन्होंने अच्छे काफ़ी जो है जगह इतनी बनाई हुई है। ये अब हम होटल के अंदर आ गए, ये इनके अंदर का बैठ लोग आके बैठते हैं, इधर ये इनका ऑफिस है, रिजर्वेशंस करवाते हैं। ये रिट्रीट होटल नथिया गली, ये इधर इनका वो है। अब मैं अंदर आ गई हूँ उसके, ये इधर काफ़ी ये बैठने की, अगर चाय वगैरह पीनी है तो इधर, इधर भी इन्होंने आउटडोर का सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है, खाना लोग जो यहाँ पे ठहरते हैं वो इधर ही खाना खाते हैं, ये देखें ये बना हुआ है। और इसके पीछे भी आगे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा ये इनका लॉन है, काफ़ी ग्रीनरी देखें, बहुत अच्छा बना हुआ है होटल ये। तो इधर आपको ठहरने के लिए काफ़ी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि पूछा था मैंने इनके से कि यहाँ पर कमरे कितने कितने के आप जो है वन नाइट या इस तरह आप ठहर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें दरअसल सीनरी बहुत ही अच्छी, और ये इस तरफ भी जाके जो है, ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये इस तरफ भी जाके रास्ता बना हुआ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। ये आप जाके इसकी जाके देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। और अब हम ये पीछे की तरफ भी लॉन है इनका, और पीछे की तरफ भी हट से हट्स बने हुए हैं इनके। ये हट्स तो काफ़ी पुराने हैं, जब हम बहुत साल पहले भी आए थे तो ये बने हुए थे, और हम लोग अक्सर इधर आके ठहरते हैं और चाय वगैरह सब ये पीते हैं हम लोग। ये अब जो है मैं ये जा रही हूँ, इनके पीछे की तरफ भी लॉन अच्छा बना हुआ है, और पीछे की तरफ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी हट से और कमरे से बने हुए हैं। ये कमरे काफ़ी पुराने बने हुए हैं पीछे पीछे का थोड़ा, लेकिन ये कि अंदर से साफ़ हैं कमरे, हमने देखा था जाके कमरे अंदर से इनके साफ़ सुथरे से हैं। तो अब ये मैं पीछे की तरफ जो बैक साइड पेंट का गार्डन है उस तरफ जा रही हूँ मैं। ये भी एक छोटी सी इन्होंने जगह, नमाज वगैरह छोटी सी जगह बनाई हुई है, नमाज वगैरह जो पढ़ना चाहें वो इधर पढ़ सकते हैं। ये छोटी सी जगह बनी हुई है, और सामने जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये हट से बने हुए हैं। ये इधर लॉन भी बहुत अच्छा, बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है, आप इधर हैंग आउट जो इधर ठहरते हैं लोग वो फिर बाहर इधर हैंग आउट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इनका गार्डन ये भी अच्छा है, मैं उस तरफ जा रही हूँ और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे पीछे वाले लॉन में। इनका पीछे भी गार्डन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सा बना हुआ है, और पीछे ये हट से भी बहुत अच्छे हमें लगे हैं। ये देखें कुर्सियाँ रखी हुई हैं, इधर आप बैठ सकते हैं, इनका ये गार्डन और जगह बहुत अच्छी है। यहाँ से देखें पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी सीनरी इधर से भी है, आप पूरा नथिया गली यहाँ से हम बैठे हुए देख सकते हैं। ये
इनका गार्डन है, ये बैक साइड इनकी होटल की बैक पे ये गार्डन है बना हुआ। ये इधर पूरा हम काफ़ी देर बैठे रहे थे, इधर काफ़ी देर गुजारी है। ये देखें ये सारे ये बने हुए हट्स, ये छोटे हट्स बने हुए हैं इधर। ये इधर काफ़ी ये पुराने हट्स काफ़ी पहले के बने हुए हैं। और ये अंदर से हम देखे थे काफ़ी साफ सुथरे रूम्स हैं ये। इनका जो आप एक दिन का महंगा किराया है वो 3 to 8 thousand के करीब है इनका। आप पूरी फैमिली जो है इधर ठहर सकते हैं। और सीज़न में हमने जैसे पता किया था इनके जो आगे के जो और ऊपर के जो रूम हैं इनके वो 10 to 13 thousand अभी सीज़न में चल रहा है। तो ये देखें ऊपर के भी कमरे नज़र आ रहे हैं यहाँ से अगर आप देखें तो। ये और ये इनका गार्डन है, यहाँ से 10 to 13 thousand के दरमियान ये कमरे मिल जाएंगे आपको, हमने पता किया था मैंने। और ये एक बुटीक की अंदर शॉप बनी हुई है, मैं इधर गई हूँ देखी हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी जो है काफ़ी अच्छे जो काम वाली हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। और शादी भी जो शॉल्स हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की दुकान इन शॉप बनाई हुई है, तो मैं इधर गई थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी जो है ये शॉल्स और चीज़ें इधर से ले लें आप। ये सिंपल शॉल भी है, ये इनकी 300 to 500 तक की प्राइसेस हैं। और जो काफ़ी काम वाली जो शॉलें हैं वो यहाँ जी। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, अब शाम होने वाली है, रात हो जाएगी देर में, तो वीडियो जो है अच्छी नहीं बन सकेगी। तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ ये। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, वापस जाते हुए भी मैं आपको थोड़ी सी वो जो है सुबह के वक्त आते हुए रह गई थी थोड़ी शॉप की, मैं अब अच्छी बनाऊंगी वीडियो। ये अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं इस्लामाबाद। होटल से निकल गए हैं, चाय वगैरह पी ली थी, तो अब हम होटल से निकल गए हैं, अब वापसी की तरफ जा रही हूँ। रात को देखें ये और भी जो शाम हो गई है, बादल भी आ रहे थे इधर, काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था इधर नथिया गली का, बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम था। अब शाम और रात हो गई है तो रश जो है और भी ज़्यादा हो गया है, लोग काफ़ी जमा हो गए हैं इधर नथिया गली में भी। अब इस टाइम रात को नीचे जो है बाजार इनका अच्छा काफ़ी बड़ा हो गया, तो इधर लोग जो है अब बाहर निकलें थोड़ा सा। अब मौसम भी अच्छा काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर, तो अब ये इधर भी लोग जो है काफ़ी निकले हुए हैं। और देखें लाइट्स में और होटल की लाइट्स में और भी जगह खूबसूरत लगती है इधर ये इधर। और लोग अब जो है अब हमें वापसी पे रश भी काफ़ी नीचे की तरफ भी अभी हो गया है, लोग जो है होटल में अभी ठहरते हैं तो खाना वगैरह खा के रात के वक्त निकलते हैं। इनके बाजार इनका भी जो नीचे का बाजार है वो भी बहुत खूबसूरत है, अब नथिया गली की लाइट्स अब जो है अब काफ़ी दूर से ही नज़र आने लग जाती हैं। काफ़ी कुछ अर्सा पहले तो इतना बाजार लंबा बाजार नहीं था इसका, लेकिन अब जो है इधर भी काफ़ी शॉप्स जो हैं नीचे की तरफ खुल गई हैं। और इधर भी रश जो है अभी काफ़ी रश होने लगा है नीचे की तरफ, लोग जो हैं अभी बाहर निकले हैं, खाना वाना खा के अभी बाहर निकले हैं। और काफ़ी ये इस तरफ भी ऊपर की तरफ भी आते हैं, ऊपर का जो है व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है इधर, ऊपर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। देखें पहाड़ इधर से जाते हुए गाड़ी की ड्राइव में या आप इतना जा रहे हो तो पहाड़ नज़र आते हैं, इसके भी खूबसूरत पहाड़, ब्यूटीफुल माउंटेन्स।
नज़र आ रहे होते हैं और बादल भी अब आ गए हैं इधर, तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है अभी हमें। और नीचे की अभी जो है काफ़ी शॉप्स भी खुली हुई हैं इधर, नीचे भी काफ़ी शॉप्स हैं हैंडीक्राफ्ट की। नीचे भी हम शॉप्स में थोड़ा सा घूमे हैं, शॉप्स देखी हैं हमने, खाने होटल तो नीचे अच्छे बने हुए हैं होटल, और ये कि आप बैठ के थोड़ा सा बैठ सकते हैं किसी भी होटल में जाके। अब शाम का और रात का व्यू और भी बहुत अच्छा हो गया, लाइट्स वगैरह अब सारे होटलों की इधर से, और काफ़ी बाज़ार ये शॉप्स भी हैं, हैंडीक्राफ्ट की बहुत दुकानें हैं इधर, आप चेक कर सकते हैं। आप इधर आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। तरफ जा रहे हैं, नथिया गली के होटल आने शुरू हो गए हैं। तो अब इस तरफ एक जाते हुए आबशार भी आती है, उसकी वीडियो मैं सही तरह से ले नहीं सकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं वह जगह दिखा दूँगी आपको। आबशार आती है इस तरफ, नथिया गली की आबशार है, और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ठहरती भी हैं। अभी आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये अभी हम नथिया गली से गुजर रहे हैं, सेकेंड का होटल के आ रहे हैं। रात के वक्त इसकी दूर से ही लाइटें नज़र आती हैं नथिया गली की। इसकी वीडियो मुझसे थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, वो सही तरह से मैं ले नहीं सकी थी वीडियो आबशार की, लेकिन मैं वो पुल भी आता है आबशार के साथ, पुल है और लोग काफ़ी गाड़ियां वहां पे खड़ी होके आगे तक आबशार के आगे तक जाते हैं। वो उसकी वीडियो थोड़ी सी मुझसे मिसिंग हो गई थी, वो ले नहीं सकी थी मैं वीडियो, लेकिन मैं आपको वो दिखा दूँगी। ये अब ये वीडियो आ जाएगी, ये देखें उससे छोटा सा पुल आएगा, तो फिर ये मैं अभी आएगी वो आबशार, तो फिर मैं उसे वो जगह दिखा दूँगी। इधर इस तरफ काफ़ी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, ये देखें ये आ गई है। ये इसकी वीडियो मैं सही तरह से ले नहीं सकी थी, लेकिन मैं आपको ये अब ये देखें ये इस तरफ आबशार है, ये इस तरफ इस आबशार छोटी सी बह रही है, और ये देखें इस तरफ गाड़ियाँ ये भी खड़ी हो जाती हैं, इधर काफ़ी लोग एक आबशार। ये अब हम देखें हमारी
झीका गली आ गए हैं। ये इस जगह काफ़ी रौनक होती है, मरी की काफ़ी रौनक देखें, मरी की रौनक सारी नज़र आ रही है। इधर काफ़ी लाइटें हैं, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। इस तरफ से काफ़ी नथिया गली जाने के लिए भी मुड़ते हैं, भूरबन जाने की ये झीका गली क्या है, भूरबन जाने के लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ से जाते हैं। और ये मरी का है पॉइंट, इधर से लोग जाते हैं जहाँ उन्होंने भूरबन जाना हो। या ये अब हम लोड टोपा की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जो है लोड टोपा जाते हुए मरी एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगी। हम अब मरी एक्सप्रेस वे जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा था थोड़ी सी लाइट्स हैं यहाँ पे, ये मैकडोनल्ड की वीडियो मैंने बनाई थी, मैकडोनल्ड ये है देखें, ये नज़र आ रहा है। और अब हम मरी एक्सप्रेस वे की तरफ जाएं। अब हम थोड़ी देर के लिए रुकें यहाँ पे, ये OPTP भी है और चाय खाना ऊपर की तरफ, बहुत ही अच्छी इन्होंने आउटडोर सिस्टम रखा हुआ है, आउटडोर आप इधर बैठ सकते हैं, चाय खाना इधर खुल गया। ये अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे और OPTP से हमने कुछ बच्चों के लिए लिया था खाने के लिए, हम तो निकले हुए थे तो हमने कहा यहाँ से सोचा कि हम ले लें। तो अभी हम वो जगह मैं आपको दिखाऊंगी, ये OPTP, ये इधर OPTP और चाय खाना, ये चाय खाना था और इधर ही आगे फिर जाके OPTP। ये देखें OPTP क्या मैं अंदर आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी ये अब यहाँ पे शॉप्स जो हैं खाने पीने की, आप मरीज से जाते हुए या वापसी पे ये ले सकते हैं। ये आइसक्रीम पार्लर है कोई, और इसका नाम भी मैं आपको बताऊँगी अभी, आइसक्रीम पार्लर भी था साथ, ये OPTP है। तो इधर से हमने बच्चों के लिए कुछ लिया है, ये बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ, ये OPTP है और ये मनोलो जिलाटो, इधर से आइसक्रीम पार्लर भी ये खुला हुआ है। और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये चाय खाना है बाहर, और ये ग्लोरिया जीन्स जो वो है, ये भी काफ़ी अच्छी जगह, ये OPTP है पर इससे थोड़ा ही नीचे चाय खाना है, इसमें ऊपर जो है बैठने की जगह बहुत अच्छी बनी हुई है। और अभी मैं आपको ये बता, यहाँ इन लोगों से बात हो रही थी तो ये लोग बता रहे थे कि अभी ब्रांड्स जो हैं इधर, काफ़ी ब्रांड्स जो हैं आने वाले हैं, काफ़ी जो फूड का जो कॉर्नर है, फूड ये यहाँ पर अच्छा काफ़ी बनने वाला है, ये ऊपर सारे ब्रांड्स जो हैं इधर आ जाएंगे, जैसे इधर काफ़ी ब्रांड्स जो हैं इधर इस तरफ आने वाले हैं, चाइना ग्रिल और जितने भी जो ब्रांड्स हैं खाने के वो सब इधर आ रहे हैं। और ये काफ़ी जगह जो है बहुत अच्छी बन जाएगी, ये सब जो आपको ये अभी तो चाय खाना खुले हैं, चाय खाना है, OPTP है और फिर ग्लोरिया जीन्स है, और ये की तरफ ये फूड स्ट्रीट सी, ये फूड कॉर्नर सा बनने वाला है अभी, इधर काफ़ी ब्रांड्स जो हैं अभी आएँगे। और ये देखें ये इन्होंने बाहर भी लगाई हुई है।